जो मीडिया है वो सच में फोर्थ पिलर है और आजकल आप बड़ा सुन लेकिन दोनों प्रेषण शर्मा से मेरी पता है एक हो गया। अच्छा ये एक हो गया, ये भी पता होता है ना, जब आप दोनों में से जो भी जीत जाएगा, लेकिन मेरी गुजारिश है बड़ाई मेहरबानी यक्षा तौर पर लेना चाहिए आप दोनों को, प्लीज बड़ाई मेहरबानी, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्ताना माहौल में यूनिटी के सेशन, ताकि बाद में कोई बातें ना करे पीछे से, कुछ लोग पीछे से करते हैं। फिर कैमरा चुपाना गुजारिश है दोनों प्रेसिडेंट कंटेस्ट साहिबान से, और साथ साथ आज ये भी खुशकिस्मती है चारों इलाके के जेल यूनिवर्सिटी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सरवर मकसूद ने, उनके दोस्तों ने चलाई है, हर एक वोटर्स गवाह है, और मैंने कहा सर कि तीन वोट उसका फर्क पड़ेगा, तीन वोट्स का, और यही नतीजा है। और तीन के तो करते हैं कि बुकी पेश करें चीफ इलेक्टोरल अफसर हयात अहमद सोफी और मलिक साहिद। बनी थी और कुछ महीने पहले हमने जो है एक एसोसिएशन बनाई थी, वो हमने टेम्परेरी बेस पर बनाई थी, क्योंकि हमने हंगामी सूरत में उस टाइम ये कहा था कि फ़िलहाल हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या ट्रेजर या जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे, हमने चार पोस्ट्स उसमें भी मैं रह चुका हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं उसमें भी काम कर रहा था। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पहला सबसे बड़ा जो हमारा मसला था वो था कि एकोमोडेशन जो बड़गाम वर्किंग जनरल, वो कहीं पर बैठने की नहीं थी, और जब से डिप्टी कमिश्नर बड़गाम यहाँ आए उसने पहले दिन से ही ये कहा कि आपको बैठने की जगह नहीं है। पहले उसने वो उसमें इंश्योरेंस दी कि मैं वो कर दूंगा, वो उसने वो किया भी, उसके लिए हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए हमारे जो साफी बरादरी है, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक तो हम पहले अपना अपनी इज्जत की सोचेंगे, क्योंकि जब हमारी अपनी इज्जत है तब हमें लोग भी इज्जत करेंगे। ये मेरा एक उनसे, सब जो मेरे बरादरी है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना एक विकार हमको बनाना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि हम सोसाइटी के हम ये कह सकते हैं एक क्रीम मानी जाती है, तो हमें उस जो क्रीम है उसकी हमें इज्जत करनी होगी। और जो हमारी सहाफती बरादरी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर कहीं पर भी उसको लगे कि हमें हम पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, करे कोई और भुगते कोई, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे और हमारे पास आए कि अगर उनको लग रहा है कि कहीं पर कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो हमारी इस एसोसिएशन या इस प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे एक लिस्ट फ्रेम किया जाएगा जो डिप्टी कमिश्नर और SSP बड़गाम को दिया जाएगा, ताकि जो इस वक्त जो एक वबा फैली हुई है, कहीं ना कहीं हम बड़गाम की बात करेंगे, बड़गाम में हम रोकने की उसकी कोशिश भरपूर करेंगे। अशरफ साहब देखिए, जहाँ तक ब्रिज का सवाल है, मैंने ये ब्रिज इसलिए यहाँ पर मेंशन किया, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल इसलिए किया कि जो लोग है, अगर कहीं पर कोई किसी इलाके में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने इलाके की प्रॉब्लम, अगर हमारा कोई सहाफ़ती बरादरी वहाँ जाता है, तो वहाँ से वो उस न्यूज़ को कलेक्ट करने के बाद उस जो प्रॉब्लम है उसका जो हल निकलना चाहिए, वो ज़ाहिर सी बात है कि DC ऑफिस में ही निकलेगा, चाहे कोई भी डिप्टी कमिश्नर क्यों ना हो। तो देखिए, मैं अपने सहाफ़ती बरादरी जिन्होंने मुझे वोट दिया या जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं, और हम एक ही है और एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये कोई मसला नहीं, आज मैं बनाऊं कल दूसरा भी बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मैं अपने बरादरी को खाली यही मैसेज दूंगा कि अपने इज़्ज़त की वो रखवाली करे, अपनी इज़्ज़त को हमेशा बरकरार रखे, क्योंकि समाज में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए, कहाँ पर उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो सहाफ़त इसी को कहते हैं कि वो आगे आए। और ख़ासकर मैं यही बात कहूँगा कि अपनी इज़्ज़त की खुद रखवाली करना आजकल के दौर में मुझे लगता है सबसे अहम है, क्योंकि जिस तरह से सहाफ़त को एक बदनाम किया जाता है, मगर एक्चुअली जो सहाफ़त है वो अलग है, और जो बदनाम करने वाले लोग हैं वो अलग है, वो समाज से दूर है।